मोगा के निहाल सिंह वाला में ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड यूनियन ने की हड़ताल, मंडियों से भरे धान के ट्रक निकलने नहीं दिए। मोगा जिला के अधीन पड़ते कस्बा निहाल सिंह वाला की मंडी में आज उस समय काम रुक गया जब ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड यूनियन ने हड़ताल कर दी और मंडी में धान के ट्रक भरे खड़े थे, उनको भी मंडी से बाहर नहीं जाने दिया। अलाइड वर्कर मांग कर रहे थे कि उनके करोड़ों रुपए जो ईपीएफ के रूप में कटकर फंड में जमा थे वह यूनियन कुछ अधिकारियों ने निकलवा लिए, जो उनके हक की कमाई है जिसे वह वापस नहीं कर रहे। इस बारे में पहले भी प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बनते रुपए वापस करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। इससे नाराज उन्होंने आज मंडी में हड़ताल कर दी और धान की लिफ्टिंग बंद कर दी। जो कि 1998 तो लेके हुण तक जो साढ़े फंड दे विच घपला किया गया, उस घपले की असी जाँच पड़ताल लई एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को दिती, लेकिन उहदी अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। घपला तकरीबन लगभग 5 करोड़ तो उत्ते, एक 18 साल का साडा जो पैसा है वह मजदूरों का बेहद नुकसान हो गया। असी इस करके ना तो किसान का नुकसान चाहते हैं, ना असी महकमे का नुकसान चाहते हैं। असी महकमे तो इंसाफ चाहते हैं कि यह बंदियां ते परचा किया जाए अते ए बंदे कमेटी चो खारज करे जान। जी साडा लेबर यूनियन का पंजाब एंड फूडलैंड यूनियन का काम है, असी अज तो पहला ईपीएफ फंड का बच बहुत साडा घपला होया वै, फिर साडा 3 सीजन का ठेकेदारी का जरा टेंडर सी लेबर यूनियन के नाते, असी यूनियन के नाते टेंडर होना सी, असी मता पा के इन्हें 4 बंदे की जिम्मेवारी लाई सी, नफा होंदा टेंडर का इन्होंने सानू कोई नहीं वंडिया। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का एसीबी घपला करके आ, सानू ये पैसे नहीं दे रहे, इस करके साडा इन्हों सा विश्वास उठ गया। असी नवी कमेटी चुन के इन्हों बंदियां नू खारज करना चाहते हैं, नवी कमेटी नू असी लागू करना चाहते हैं। उन्होंने मंडी के गेट पर ही मंडी में जाके धान के ट्रक को भी रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम निहाल सिंह वाला से जब इस बाबत बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों पार्टियों को बुलवाया गया है और आपसी और बैठकर जो बनती कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी। इस तरह जी अज जिहड़ा मसला आया साढ़े कोल अलाइड पंजाब अलाइड यूनियन जिहड़ी है वर्कर एसोसीएशन है, ऑल इंडिया लेवल दी यूनियन है और मार्च विच टेंडर जिहड़ा यूनियन दे नाते होया फॉर लेबर एंड कार्टेज, साढ़े कोल कोई 15-20 दिन पहला ये यूनियन वाले एक दरखास्त लैके आए थे कि इन्होंने जिहड़े 4 सिग्नेटरी अथॉरिटीज ने उन्होंने ईपीएफ फंड दे विच कोई घपला किया। इस संबंध डीएसपी साहब जिहड़े आ पड़ताल कर रहे ने, वो पड़ताल जिहड़ी है मुकम्मल तकरीबन होण दे किनारे 2-4 दिनां च मेरे कोल आ जाएगी रिपोर्ट। बस जी अज बुलाए आ दोनों धिरां बुलाईआं आ, साडी तां पूरी कोशिश है कि इन्हां दा जिहड़ा मसला आ इन्हां नूं प्यार नाल समझाया जाए कि जिहड़ा तुसीं इह जिहड़ा तुहाडा नबेड़ा आ, एक तो पड़ताल जी जल्दी मुकम्मल होकर आ जाएगी, दूसरा जिहड़ा आ पड़ताल तो बाद पेमेंट संबंधी रौला भी उस तो बाद खत्म होना, तो तुसीं तद तक जिहड़ा मंडी के काम च प्लीज विघन ना पाओ, तो मंडी का काम निर्विघन चलन दो। जागती लहर के लिए मोगा से सूरज जैन की रिपोर्ट।